हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटसी स्पोर्ट्स लैंड पे। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बुल्गारिया T20 का। दोस्तों ये आज का पांचवा मुकाबला रहेगा इस सीजन का। दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे हम इस वीडियो को कवर करने वाले हैं सर्बिया वर्सेस क्रोएशिया के बीच में खेले जाने वाले इस T20 मुकाबले का। तो दोस्तों हम बात करेंगे साथ ही इस दोनों टीम के क्या प्लेइंग लाइन रहेगी, क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस मैच के अंदर, और गाइस यहाँ पे हम देखेंगे स्मॉलिक और ग्रैनली के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। क्योंकि गाइस आपको बता दूँ यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने लगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है लास्ट मैच अगर आपने होंगे तो यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग अगर किसी प्लेयर का जो सेम नहीं रहता। आज के मैच कौन सा प्लेयर चार और कौन सा प्लेयर तीन ओवर बॉलिंग करने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले कि बैटिंग सेक्शन के अंदर जो है सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन सा हो सकता है और कौन सा प्लेयर कहाँ पर जो है बैटिंग करने आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी डिटेल में सारा कुछ, प्लस दोस्तों रिसेंटली टेस्ट जो स्टैट्स यहाँ पे रहेंगे, परफॉर्मेंस इन्होंने किए हैं सभी प्लेयर्स ने, उसके बेस पर आपको स्टैट्स भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट रोल कैप्टन वाइस कैप्टनशिप, कौन सा प्लेयर को कब कैप्टन करना है और कौन सा प्लेयर हमारे लिए आज के मैच का सबसे बेहतरीन प्लेयर बन सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको सबसे पहले हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चलते हैं अभी आगे हम स्टैट्स के पास जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें जैसे स्टैट्स का, दोस्तों मैच इन्फो तो आपको पता चल चुका है। टाइमिंग इस मैच की 3:30 बजे से रहने वाले, सेम पिच जहाँ पे गाइस आपको एवरेज बैटिंग प्लस गाइस बॉलिंग में पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। एवरेज स्कोर की अगर बात करें पहले इनिंग से, अगर तो सर्बिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो 150+ आपको आसानी से स्कोर देखने को मिलेगा। वहीं गाइस दूसरी तरफ अगर क्रोएशिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पर आपको 100 के आसपास जो है स्कोर, या फिर गाइस हो सकता है 110 के आसपास जो आपको टोटल देखने को मिलेगा। वहीं अगर विकेट रेशो आपको बता दूँगा, पेसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल विकेट है, वहीं गाइस स्पिनर्स को थोड़ा सा कम हेल्प मिलता है। वहीं अब दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे रिसेंटली परफॉर्मेंस दोनों टीम का, तो गाइस ये वीडियो अभी जो मैं कवर कर रहा हूँ तो गाइस यहाँ पे क्रोएशिया का जो टीम है एक मुकाबला खेली और गाइस आज के दिन में इनका एक और मुकाबला होगा 11:30 बजे से। और अकॉर्डिंग टू मी गाइस जैसा कि आपको बता दूँ क्रोएशिया टीम की ना थोड़ी सी जो टीम है थोड़ी वीक है और गाइस यहाँ पर हो सकता है कि अपना दूसरा मुकाबला लॉस करी जाए जो 11:00 बजे से है 11:30। तो इसके बेस में मैंने इसकी वीडियो कवर कर रखी है, तो वहाँ पर आप उसके बाद वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। बात करो दोस्तों यहाँ पे जो है सर्बिया के बारे में, तो सर्बिया की बात करूं दो मैच खेले, दोनों ही काफ़ी शानदार विन किया गया। इस पहला मैच तो चलिए कोई नहीं, दूसरा मैच काफ़ी शानदार रहा था जहां पे दोनों टीमों का जो है, बल्कि सर्बिया के गई जो है मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट गया था दोस्तों, और काफ़ी अच्छा खासा स्कोरिंग मैच उसमें देखने को मिला था। आज के मैच के विनिंग प्रेडिक्शन दोस्तों, इस मैच में सर्बिया की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और इनके विनिंग के चांसेस जो है हाई रहने वाले थे। आप इनका फेवर करते हुए यहाँ पे दोस्तों 6-7 प्लेयर आसानी से इनकी टीम में ले सकते हो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस मैच में कर जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपका मैंने बोला दोस्तों, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े ना तो दोस्तों आपका यहाँ कहीं ना कहीं लॉस जरूर होता है। क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम पे ऐसा होता है कि आपको फाइनल जो टीम होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गाइस आप कॉमेंट सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन से आसानी से हम यहाँ पर लिंक डाल देंगे जिससे आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको फाइनल अपडेट मिलते रहते हैं। वहीं हम दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम्स की जो है रिसेंटली परफॉर्मेंस क्या रहे हैं, कौन सा प्लेयर आज के मैच में कौन पहले ओपन करेगा, कौन सा प्लेयर रहेगा बॉलिंग में जो कि आपको पूरे 4 ओवर बॉलिंग करके देगा, कौन सा प्लेयर 3 और 2 ओवर बॉलिंग करेगा। तो यहाँ पे आपको बता दो दोस्तों ओपनिंग की बात करें ना, तो आज के मैच में हो सकता है आपको यहाँ पे जो है अलेक्जेंडर और दोस्तों एड्रियन दोबारा से ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे इस मैच के अंदर, और वंडन बार्टन खेल सकते हैं आज के मैच में, ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और कैसे इस मैच अगर टोसिक को वापस खेलते हुए नजर आते हैं प्लेइंग 11 में तो आपको ये भी प्लेयर आपको हो सकता है ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके ज़्यादातर चांसेस है, देखिए अलेक्जेंडर का तो फिक्स है दोस्तों ये ओपन करेगा, इसके साथ या तो टोसिक या फिर गाइस हो सकता है कि आज के मैच में एड्रियन ओपन करें, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आज के मैच के अंदर। वन डाउन बैटिंग करें दोस्तों, वन डाउन यहाँ पे हो सकता है बार्टन खेले या फिर गाइस 4थे 5वें नंबर पर आपको सेम जो देखने को मिलेगा, और बार्टन को यहाँ पे 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जा सकता है, ये कुछ चेंजेस हो सकता है। या फिर गाइस एक और जो कॉम्बिनेशन बनता है वो गाइस हो सकता है निकोलस को टीम आप थोड़ा ओपन यहाँ पे जो है 4थे नंबर पर बैटिंग के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे बात करूँ निकोलस भी काफ़ी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं टॉप ऑर्डर में, और इस मैच में हो सकता है ऐसी बैटिंग आपको देखने को मिले। एक्सेप्टेशन दोस्तों अगर ग्रैंडली खेलो तो ग्रैंडली वालों के लिए दोस्तों आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बार्टन इस मैच में कर सकते हैं। क्योंकि इस बात को तो बार्टन ने अभी 2 मैच खेले हैं, किसी मैच आप देख सकते हैं
अच्छा खासा बिल्कुल 10 के सिंगल डिजिट पे आउट हो गए हैं, प्लस बॉलिंग इनको नहीं दिया गया है। तो गाइस आज के इस मैच में आप यहाँ पे रिस्क लेकर चलना चाहते हैं तो आपके लिए बॉटन एक अच्छे खासे जो है रिस्की प्लेयर बन सकते हैं जीएल के लिए, तो यहाँ पे आप जीएल में इसको ट्राई कर सकते हो। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे गाजी, ये दो प्लेयर जो है ना आपके मैच के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों पर जरूर फोकस कर लेना दोस्तों आज के जीएल में। वही बात करो दोस्तों सेफ प्लेयर रहते हैं अलेक्जेंडर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विकेट की वजह से, सिंपली दोस्तों आप एडियन को लेकर चलो, कोई डाउट नहीं इस प्लेयर के बारे में, स्मॉल लीग के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मर रहेगा। टीम का कैप्टन मार्क पॉल वर्निंग दोस्तों ग्रैंडली खेल रहे, उसका आज के मैच में ड्रॉप करके जाओ सीधी से बात बोलना गाइस। यहाँ पे इसका लास्ट दो मैच में देख सकते हो दोनों काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस निकला गाइस, और इस प्लेयर का हो सकता है इस मैच में थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो इसको सीधे अपने जीएल की टीम से हटा दो और इसकी जगह पर दोस्तों अपना कैप्टन वाइस कैप्टनशिप अलग ट्राई करो। लाइक जैसे कि बता दो जिमोनजिक रहते हैं और गाइस यहाँ पे निकोलस जॉन्स रहते हैं, इन दोनों को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप ज़्यादा पिक करने के। वहीं दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जैसे कि बता दूँ सामने हमारे पास रहते हैं टॉसिक बॉल, अगर दोस्तों इसको टॉप ऑर्डर में बैटिंग के लिए भेजा जाता है तो ये प्लेयर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल आज के मैच में फिर से कर सकता है। वहीं हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जिमोनजिक जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, विकानी जिमोनजिक, और जैसे यहाँ पे नेमांजा की बात करें, नेमांजा जिमोनजिक की बात करें दोस्तों दो मैच खेला अभी तक काफ़ी जो है डाउन परफॉर्मेंस रहा, ओनली बैटिंग करता है, बॉलिंग के चांसेस इसके नहीं रहेंगे गाइस, तो इसको अपनी टीम में लेने का आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट होने से रहेगा, तो इसको अपनी टीम में फिलहाल अभी स्किप करके चलिए। जीएल के अंदर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। निकोलस मोस्टली इंपॉर्टेंट इस मैच के लिए गाइस। नेक्स्ट हम बात करिए तीन बॉलर्स जहां की गाइस बात करूं तो यहां पे रहमान एडेम्बी को जो टीम बैटिंग भी करवा सकती है, बैटिंग प्लेयर है गाइस, टॉप ऑर्डर में चाहे तो टीम अपडेट कर सकती है लेकिन चांसेस लेस रहेंगे। नीचे हम बात करते हैं दोस्तों डोजिक हो जाएंगे और गाजिक, दोस्तों मोस्टली इंपॉर्टेंट प्लेयर गाजिक है जो कि इस मैच आपको अच्छे खासे विकेट्स निकाल के दे सकता है, तो इस पर जरूर रिस्क लेना आज के मैच में। और ग्रैंडली खेल रहे हो तो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप ट्राई कर सकते हो अगर इसकी टीम जो है पहले बॉलिंग करती है। तो गाइस ये इस मैच की प्लेइंग 11 रहेगी। अगर बात करूं स्मॉल लीग की सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो दोस्तों यहां पे जो टॉप के तीन प्लेयर आपको ये जो मैं बता रहा हूँ जैसे कि अलेक्जेंडर हो गए, एड्रियन हो जाएंगे और मार्क पाउलोनिक हो जाएंगे, तो गाइस ये तीन हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे विकासिन जुमानजिक रहेंगे, उसका दोस्तों निकोलस और गाइस गाजिक, ये जो छह प्लेयर है आज के मैच के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, तो इनको अपनी टीम में जरूर लेकर चलना। ये छह प्लेयर आज के मैच टोटली काफ़ी अच्छे खासे आपको विनिंग करा देंगे स्मॉल लीग के अंदर आसानी से। अभी मैं दूसरी तरफ बात कर लेता दोस्तों जो है क्रोटिया की टीम के बारे में, तो गाइस जैसे कि आपको बताया क्रोटिया की टीम का भी मैंने जो एक मैच अभी लास्ट मैच खेला उसका मैंने कवर किया, और गाइस अभी रिसेंटली जो इसका मैच होने वाला है उसका मैंने वीडियो पहले से कवर करके रखा है, तो आप हमारे चैनल पे इसकी वीडियो भी देख सकते हैं कि इसमें से और दोस्तों जो दूसरी साइड हमारी टीम थी टर्की की उसमें से कौन से टीम कैसे प्लेयर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। फिलहाल अभी यहाँ हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कमल रहते हैं जो कि गाइस वसल कमल ओपन बैटिंग करते हैं, 27 रन किया था पहले मैच, 0 विकेट मिला था। नसीम खान ओपन बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी आपको करते नजर आ जाएंगे, और ये दोनों ही प्लेयर मोस्टली इंपॉर्टेंट पिक इस मैच में बनने वाले हैं, दोनों का टीम में लेकर चलिए गाइस। और खास करके बात करूँ तो बैटिंग से आपको हो सकता है प्लेयर ओपन अच्छे खासे बैटिंग के साथ विकेट्स दे सकता है रन, और बॉलिंग के चांस मिलते हैं तो गाइस यहाँ पे क्या है आपको जो लास्ट में मिडिल ओवर्स में बॉलिंग डालेगा तो आपको आसानी से एक विकेट निकाल कर दे सकता है। वही बात करो विकेट कीपर वन डाउन खेलते हैं गाइस, अगर आप जो रिस्की टीम बना रहे और एक से दो टीम अगर क्रोटिया के फेवर में बना रहे हो तो यहां से आपको बता दूं ये दोनों प्लेयर मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जहां पर इस बात को अगर पहली टीम बैटिंग करती है तो डार्कजीनी के जो प्लेयर्स के चांसेस है काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और वहीं का अभी कॉरिक स्ट्राइकर्स को विकेट के पर सकते हैं, आप पेरे को ट्राई कर सकते हो, वन डाउन बैटिंग करता अच्छा प्लेयर हो सकता है इस मैच के लिए, चांसेस थोड़े से कम है लेकिन गाइस यहां पर ग्रैंडलिंग में आप रिस्क ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों यहां पर जो है सोहेल अहमद पांचवें नंबर बैटिंग करते हैं और इस मैच में इसके चांसेस है थोड़े से बैटिंग अपडेट होने के गाइस, तो ये आप इस पर जरूर अपनी ट्राई कीजिएगा। वहीं गाइस लास्ट मैच है 16 रन 0 विकेट है, टीम का कैप्टन 0 पे आउट हो गए थे, एक विकेट निकाला था, बाकी दोस्तों नीचे का किसी भी प्लेयर का खासा अच्छा परफॉर्मेंस आई नहीं थी। बॉलिंग की बात करो तो गाइस इस मैच के अंदर होता है लुका श्रॉफ को भी बॉलिंग दिया जा सकता था, बाकी ये तीन प्लेयर जो कि बॉलिंग के लिए चांसेस हाई रहेंगे इस मैच में। लास्ट मैच जो खेला था पहला उसमें दोस्तों काफ़ी जो है जल्दी ऑल आउट हो गई थी टीम, और वहाँ पर दोस्तों जो स्कोर भी थोड़ा कम ही बना था जिसके कारण दोस्तों इनके सभी की बॉलिंग नहीं आ पाई थी, तो इस मैच में बॉलिंग अपडेट हो सकता है, इन तीनों में से आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ से इनकी टीम की तरफ से मोस्टली इंपॉर्टेंट प्लेयर दोस्तों, जैसे कि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो ये जो तीन प्लेयर है काफ़ी अच्छे खासा, हालांकि अक्षय दक्षिणी दोस्तों लास्ट मैच है पाँचवें आउट तो हो गए थे लेकिन प्लेयर अच्छे खासे आपको बता दूँ इस मैच में हो सकता है स्कोरिंग कर सकते हैं, कोई चौथे नंबर पर खेलते हैं भी या दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी बैटिंग इनकी रहती है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, अगर चाहो तो नसीम खान को हटाकर यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों नसीम खान की बात करूँ तो इसके दोस्तों हो सकता है इस मैच के अंदर बैटिंग भी ना आए दोस्तों, चाहे तो टीम इसको केवल बॉलिंग करवा सकती है नीचे से और अपनी बैटिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग करना
करना चाहेगी, जिसमें दोस्तों लुकास टब भी आपको जो थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करते नजर आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान आपने रखना है। बाकी यहाँ से जैसे कि बता दूँ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ये जो रहने वाले पाँचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बेस पर अपनी टीम आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी आपको फाइनल अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, तो टेलीग्राम मोस्टली ज्वाइन कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लो, इससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और डेली जो है जैकपॉट विन कर पाएंगे। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं अपनी टीम की तरफ जो कि आपके लिए मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो गाइस हमारी ये इस मैच के लिए जो है प्लेइंग लाइन रहने वाली, जहाँ पे गाइस आप चेक कर सकते हैं मैंने 7-4 का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया। जैसा कि आपको मैंने स्टैट्स में बताया कि सर्बिया का फेवर करते हो अच्छे खासे इस मैच में विनिंग आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मैंने एड्रियन को ट्राई किया है, बैटिंग सेक्शन से बाटर रहेंगे, एलेक्जेंडर रहेंगे, साथ ही गाइस यहाँ पे ऑलराउंड डिपार्टमेंट मैंने जो है विकास सिंह जिमोंजिक और गाइस टीम के कैप्टन पहलवानी, साथ ही गाइस यहाँ पे मैंने वी जैंग को डब्ल्यू कमल, साथ ही गाइस बॉलिंग डिपार्टमेंट निकोलस ए गाजिक एस अहमद और एन खान को ले रखा है। तो ये हमारी इस मैच की एक्सेप्टेड प्लेइंग लाइन रहेगी। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन को कुछ चेंजेस कर सकते हैं, टीम पहले बैटिंग करती सर्बिया के इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन आराम से पिक करोगा। इस खास करके इंपॉर्टेंट रोल करेगा ग्रैंडलिंग में, एड्रियन को ट्राई कर सकते हो इस मैच के लिए। और जीएल का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन कैप्टन वाइस कैप्टन का एक आजिक और बाटन का बन सकता है, तो ये बनाकर चल सकते हो आज के मैच के लिए। बाकी एक अदर ऑप्शन है इन दोनों के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन लीड कर सकते हो अगर आप चाहते हो यहाँ पे क्रोटिया की टीम में, तो गाइज ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का आप बना सकते हो, कुछ अलग बेस्ट आपको जो अच्छे खासे विनिंग मिल सकती है इस मैच के अंदर क्रोटिया के अगर फेवर कर रहे हो। तो गाइज फिलहाल हमारी टीम लेगी इनिशियल फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, जैसे आपको बताया यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट करके बताओ टीम कैसी लगी, वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दो, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।